नमस्कार दोस्तों पीएफ पासबुक पोर्टल में पिछले दो दिनों से यानी जहां से हम सभी पीएफ मेंबर्स अपने पीएफ का बैलेंस चेक करते हैं इसमें पिछले दो दिनों से एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है जी हाँ दोस्तों दिक्कत क्या चल रही है मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूं कि जैसे ही हम यहाँ पर ई मेंबर पासबुक पर क्लिक करते हैं ना मतलब वेबसाइट पर जाते हैं अपने पी का बैलेंस चेक करने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने वेबसाइट ओपन होती नहीं है एर आता है सर्विस अनअवेलेबल भाई अब आप लोगों को बता दूँ इसकी वजह से सभी पी मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो अपने पी का बैलेंस चेक ही नहीं कर पा रहे भैया अब सिंपल सी बात है बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे तो परेशान तो होंगे अब देखिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताने वाला हूं सबसे पहले तो मैं आपकी सबसे बड़ी सोल्यूशन ही दूर कर दूंगा सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पीएफ बैलेंस चेक करने का कोई दूसरा तरीका बताने वाला हूं जी हाँ दोस्तों मतलब कि पीएफ बैलेंस चेक करने का मैं आप लोग कोई दूसरा तरीका बताने वाला हूं कि आप पीएफ पासबुक के अलावा और किस तरीके से अपने पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं अब इससे होगा क्या भैया आपको इससे सॉल्यूशन मिल जाएगा एक चीज़ तो ये हो गई और दूसरी चीज़ मैं आप लोग क्या बताने वाला हूँ कि ये जो पी पासबुक खुल नहीं रही है इसके पीछे का कारण क्या है मतलब पी पासबुक क्यों नहीं खुल रही है क्योंकि पी एफ को ये भी पता होना चाहिए और तीसरी चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है ये जो पी पासबुक नहीं खुल रही है कब तक ठीक होगी समझ रहे हो ना आप लोग तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी पी एफ मेंबर्स के लिए तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को अब देखिए दोस्तों पहली चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है भैया मतलब कि इसका दूसरा तरीका क्या है पी एफ बैलेंस चेक करने का तो दूसरा तरीका यह है स्क्रीन पर आप लोगों को एक दो मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे ठीक है ना अब दो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला मोबाइल नंबर है उस पर जो भी आपके पी एफ में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है यानी लिंक मोबाइल नंबर है ना उस मोबाइल नंबर से आपको मिस कॉल देनी है और मिस कॉल देने के बाद अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आपका जो पी बैलेंस है वो पूरा का पूरा आ जाएगा मतलब पी बैलेंस आपको पता चल जाएगा मिस कॉल मारने से बस ध्यान रहे कि आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल मारनी है एक तरीका आप लोग को पता चल गया और तरीका आप लोग को बताता हूं उसके नीचे ही आप लोगों को ठीक एक और मोबाइल नंबर दिख रहा होगा उससे आपको उस सेम फॉर्मेट में मैसेज करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से तो आपके पीएफ में आपको जो आपका बैलेंस है ना वो मैसेज द्वारा बता दिया जाएगा समझ आ गया अब भैया ये उन लोगों के लिए जिनका मोबाइल नंबर लिंक है उनके पीएफ में आप जाहिर सी बात है सभी लोगों का ये जो सर्विस अन क्यों दिखा रहा, है, ये दिखा रहा है? इसके का क्या है तो भाई बहुत सिंपल सी बात है जो हमारी पी एफ की वेबसाइट है ना ये दो दिनों से भी दो दिन तक भी ढंग से बिना किसी सर्वर इशू के नहीं चल सकती है इतनी घटिया वेबसाइट है तो भाई ये जो दिक्कत आ रही है ये आ रही है सर्वर इशू के कारण मतलब कि आगे से दिक्कत है मतलब ई पी एफ ओ की डिपार्टमेंट में दिक्कत है ये भी आपको क्लियर हो गया बहुत से पी एफ ऐसा सोच रहे थे ना कि प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ तो नहीं आ रही तो जी नहीं ऐसा नहीं जितने भी लोग ये दिक्कत का मतलब पी पासबुक ओपन कर रहे हैं बैलेंस चेक करने जा रहे हैं सबके साथ ये दिक्कत आ रही है यहां तक भी आप लोग को क्लियर हो गया अब देखिए अब बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन की कि जो ये दिक्कत है ये कब तक ठीक होगी तो अब देखिए भैया ये पी की पासबुक का सर्वर इशू है कभी भी ठीक हो सकता है तो मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ कि जैसे ही ये प्रॉब्लम ठीक होगी आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी कि सर जो ये प्रॉब्लम है ये ठीक हो चुकी है अब आप अपने पी का बैलेंस चेक कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ धन्यवाद दोस्तों